जय हिंद दोस्तों। मूवी की शुरुआत में यंग कपल दिखाए जाते हैं जिसमें लड़के का नाम मैट और लड़की का नाम कैट होता है। ये लोग एक छोटे से शहर में घर लेते हैं। मैट एक ट्रांसलेटर होता है और कैट आर्टिस्ट, लेकिन दोनों फिलहाल जॉब से ऊब कर उसे छोड़ चुके होते हैं कुछ नया करने के चक्कर में। उन्होंने जो घर खरीदा होता है उसके आसपास कोई नहीं रहता। घर बड़ा और बेहद खूबसूरत दिखता है। घर को वो जब एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें एक अजीब सा दिखने वाला रूम मिलता है जिसके लॉक की चाबी भी उन्हें वहीं मिल जाती है। जैसे ही वो लोग रूम खोलते हैं पूरे घर की लाइट फ्लक्चुएट होकर बंद हो जाती है। वो लोग इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और वो इलेक्ट्रीशियन को लेकर उस घर के बेसमेंट में जाते हैं। उस घर के बेसमेंट में वायर से पूरा खचाखच भरा हुआ होता है और हर तरफ ऐसे ही वायर बिखरे हुए होते हैं। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। उस घर के बीचों बीच एक व्हील होती है जिसमें लाइट्स जल रही होती हैं। पूरे घर में सिर्फ वही लाइट्स होती हैं। इलेक्ट्रीशियन को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो कोई मदद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो कहता है कि उसको इस बात की हैरानी है कि आप लोगों ने ये घर खरीद लिया है बिना कुछ जानकारी लिए। इसके पहले यहाँ जो रहते थे उनका मर्डर हुआ था। ये सुनकर मैट काफ़ी डर जाता है। वो सोचने लगता है हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है। अब जाहिर सी बात है ये बातें उन्हें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। मैट इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले कपल को मार दिया था जिसकी अभी तक कोई वजह नहीं पता चली। मैट अकेला वहीं उसी रूम में बैठा होता है और उसकी ड्रिंक खत्म हो जाती है। तभी वो सोचता है काश उसके पास एक और ड्रिंक होती, तब उसके पास की लाइट ब्लिंक होकर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है। पास एक ड्रिंक की भरी हुई बोतल रखी होती है, बिल्कुल वैसी ही दूसरी खाली बोतल की तरह। ये देखकर मैट बिल्कुल चौंक जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कैट उठती है तो वो देखती है कि घर की सारी लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। वो मैट को देखने उस रूम में जाती हैं। वहाँ वो देखती है रूम अलग तरह की चीज़ों से पूरा भरा पड़ा हुआ है। मैट उसे बताता है कि ये रूम हमारी हर विश को पूरी कर सकता है। फिर मैट कैट को विश करने के लिए कहता है। कैट जॉब की विश करती है। तब मैट कहता है किसी चीज़ की विश करो। तब कैट कुछ डॉलर्स की विश करती है और लाइट ब्लिंक होती है और उसे वो उतने डॉलर मिल जाते हैं। कैट को ये सब अजीब लगता है पर मैट उसको समझाता है। इसके बाद वो दोनों बहुत सारे ड्रिंक्स और दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो उनका मन करता है मांगते हैं। वो पैसों की दीवार बना देते हैं। ऐसे कई दिनों तक चलता है लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता। कैट उदास और परेशान रहने लगती है। इस पर मैट उसे फैमिली प्लानिंग ट्राई करने को कहता है लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि इसके पहले उसके दो बच्चों की मौत जन्म से पहले ही हो चुकी होती है। इन दोनों में बहुत बहस होती है। तब मैट अपना मूड फ्रेश करने के लिए बाहर चला जाता है और कैट कुछ सोचती है फिर उस रूम में जाकर विश में बच्चा मांग लेती है। उसे बच्चा मिल भी जाता है। जब मैट घर आता है तो उस बच्चे को देखकर हैरान हो जाता है और कैट पर शाउट करता है और कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ चीज़ें मांगने के लिए कहा था, जिंदा चीज़ें नहीं। पता नहीं है अब इसका क्या अंजाम होगा, हमें इसके बदले क्या चुकाना होगा। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। अब वो बच्चे को गायब नहीं कर सकते, उसका नाम वो सैन रखते हैं। मैट इंटरनेट पर इस घर में हुई मर्डर की पूरी डिटेल्स चेक करता है। जिसने मर्डर किया हुआ होता है उसका नाम जॉन डॉय था। मैट जॉन से मिलने मेंटल असाइलम में जाता है। जॉन डॉय कहता है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग वो घर छोड़कर चले जाओ। उसे ये भी पता चलता है कि जॉन डॉय ने जो मर्डर किया है वो उस रूम के कहने पर किया था। वापिस आते समय वो गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है और पैसे देने के लिए पॉकेट में हाथ डालता है तो उसमें सिर्फ मिट्टी होती है, पैसे नहीं। और उसे यहाँ इस रूम के एक और सीक्रेट पता चलती है कि जो भी विश मांगी गई होती है वो चीज़ उस रूम के बाहर कोई हैसियत नहीं रखती, वो मिट्टी बन जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, गायब हो जाता है। वो वापस घर आता है और हथौड़े से दीवार तोड़कर एक्सप्लोर करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पीछे इसके पीछे की लॉजिक क्या है, वो ये जानना चाहता है। लेकिन उसे हर जगह पूरे घर में सिर्फ वायर ही वायर मिलते हैं। बच्चा काफ़ी रो रहा होता है सो कैट उसे बाहर लेकर जा रही होती है पर मैट उसे रोकता है, कहता है उसे बाहर लेकर मत जाओ। पर क्योंकि वो उसका रीज़न नहीं बताता कैट बच्चे को लेकर बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है बच्चा जोर से रोना शुरू कर देता है, साथ ही उस बच्चे का कलर भी चेंज होने लगता है। कुछ देर में ही बच्चा तो चुप हो जाता है मगर कैट चिल्ला कर मैट को बुलाती है। तब मैट उन दोनों को अंदर लेकर आता है। अब वो छोटा बच्चा 7-8 साल का लड़का बन चुका होता है क्योंकि अगर कोई ऐसी विश मांगी गई है जिसमें जिंदा चीज़ों को लिया गया है तो वो जिंदा चीज़ जैसे ही घर के बाहर जाएगी उसकी उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी और वो बूढ़ा होकर मर जाएगा। इसी वजह से अब उन्हें बच्चे को अंदर ही रखना पड़ेगा। कैट बहुत अपसेट हो जाती है पर उसका बच्चे के साथ लगाव बहुत बढ़ चुका होता है। वो उसकी पूरी दिन देखभाल करती है, उसे घर पर ही पढ़ाती है। अब उसका बच्चा सैन कैट के लिए सब कुछ होता है। यहाँ मैट और कैट दोनों अलग अलग रहने लगते हैं, दोनों के बीच दूरियाँ बहुत बढ़ जाती है।
मैट अपने रूम को ब्लैक एंड वाइट कलर से कलर कर देता है। सैन की हरकत बिल्कुल नॉर्मल बच्चों जैसी ही होती है, लेकिन उसका बाहर जाना अलाउ नहीं होता। उसकी वजह से मैट और कैट बहुत झगड़ते हैं। उनके झगड़ों की वजह से सैन सो नहीं पाता और रात भर घर में यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करता रहता है। वो उस रूम में चला जाता है और वहाँ उसे पता चल जाता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया, और साथ ही उसके पास स्पेशल इमेजिनेशन की पावर है ये भी उसे पता चल जाता है। नेक्स्ट डे सैन अपने इमेजिनेशन से घर में ही बहुत बड़ा गार्डन बना देता है, जहाँ पर बहुत ट्रीज और आइस होते हैं, जिससे वो और कैट दोनों खेलते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, पर मैट नहीं होता। वो सोचता है ये बच्चा इस पावर का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, जो कि होता है, आगे आपको इस कहानी में पता चलेगा। इसी दौरान जॉन डॉय का मेंटल असाइलम से फ़ोन आता है। वो बताता है कि वो भी उस रूम से विश किया हुआ बच्चा ही है। उस रूम ने कहा अगर उसे बाहर जाना है तो जिसने उसका विश किया है उसे मारना पड़ेगा। उसलिए जॉन डॉय ने उस कपल को मारा होता है, इसी वजह से उसे जेल भी हुई होती है। जॉन और मैट की ये कन्वर्जेशन दूसरे फ़ोन से कैट भी सुन लेती है। वो गुस्से में गाड़ी लेकर बाहर चली जाती है। वो समझ जाती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो पूरा दिन बाहर रहती है। इधर सैन अपनी मदर के बारे में मैट से पूछता है तो वो अपसेट होकर गुस्सा करता है। वो उसे सारी हकीकत बता देता है कि वो उनका बेटा नहीं है, उन्होंने उससे मशीन से विश किया हुआ है, और ये भी अगर वो बाहर गया तो पहले वो बड़ा होगा फिर उसके बाद बूढ़ा होकर मर जाएगा। मैट सैन को घसीटकर दरवाजे के पास ले जाता है, लेकिन बाद में उसे ये एहसास होता है कि सैन जैसा भी हो है तो आखिर वो एक बच्चा, जिस पर वो उसे सॉरी कहता है और उसे एक स्टोरी सुनाता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। आधी रात को कैट जब घर वापस आती है तो दोनों को ऐसे सोते हुए देखकर बहुत खुश होती है। वो समझती है चलो अच्छा है, ने भी उस बच्चे को अपना लिया, और दोनों बाप बेटे जैसे लग रहे होते हैं। तभी मैट की आँख खुल जाती है। वो और कैट दोनों अलग कमरे में जाते हैं। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। सैन दरवाजे में से ये सब देख रहा होता है। उसे कैट के लिए फीलिंग आने लगती है। नेक्स्ट डे सैन बाहर जाता है और 17 साल का यंग बॉय बनकर वापस आता है। अंदर आकर वो मैट को मारने की कोशिश करता है। इस दौरान कैट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब कैट हाउस में आती है तब मैट उसे एक्सप्लेन करता है हम दोनों में फाइट हुई थी और उसी दौरान वो यानी सैन मर गया। दोनों दुखी हो जाते हैं कि कुछ दिनों के लिए बच्चा मिला था और वो भी चला गया। एक दिन कैट मैट से कहती है मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तब मैट कहता है हमारे पास पैसे नहीं हैं और यहाँ हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। हम यहाँ आराम से अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं। हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए और हमें ये जगह तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। कैट को ऐसा लगता है कि मैट का बिहेवियर बहुत बदलता जा रहा है। वो अजीब बिहेव करने लगता है। उसी दिन मैट कैट के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि वो मैट नहीं है, वो सैन है, जो कि अब मैट बन चुका है अपनी पावर से, क्योंकि उसे कैट के लिए फीलिंग्स होती है। यहाँ मैट बेहोश होता है और जब वो होश में आता है तो अपने आप को रूम में लॉक पाता है। वो दीवालों में होल करके वायर्स से होते हुए दूसरे दीवार से बाहर निकल जाता है। वहाँ उसे अपने घर जैसा ही नज़र आता है, जिससे वो समझ जाता है कि सैन ने ये सब कुछ किया है। अब कैट के सामने दो मैट आ जाते हैं और यहाँ पर कैट सैन को आवाज़ लगाती है और सैन रिस्पॉन्स करता है। उसे पता चल जाता है मैट कौन है, इसलिए वो सैन को धक्का दे देती है। कैट मैट को लेकर वहाँ से भागने लगती है, पर सैन अपने पावर से पूरे घर को चेंज करने लगता है और वो लोग वहाँ से भाग नहीं पाते। वो किसी तरह उसके घर से बाहर निकलकर अपने घर में आ जाते हैं। सैन भी उनका पीछा करते हुए उनके पीछे आ जाता है। दरवाजे के पास पहुँचते ही मैट सैन को खींचकर बाहर ले जाता है और कैट अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है। सैन बाहर ही बूढ़ा होकर मर जाता है। कैट ये सब देखकर बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। फिर वो दोनों वो घर छोड़ देते हैं और यही कहानी का हैप्पी डी एंड होता है।